आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। विधानसभा चुनाव 2022 के तीसरे चरण के लिए 25 जनवरी से लगातार नामांकन प्रक्रिया चल रही है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जनपद कासगंज से तीनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आपको बता दें कि कासगंज सदर से देवेंद्र राजपूत ने, अमापुर विधानसभा से हरिओम वर्मा ने व पटियाली विधानसभा से ममतेश ने नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी समेत जनपद के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आप नॉमिनेशन करने आए अरुण जी? अमापुर से क्या मानते हैं आप? मुझे भारतीय जनता पार्टी ने 101 विधानसभा अमापुर से प्रत्याशी घोषित किया है, बहुत बड़े विश्वास पे प्रत्याशी बनाया है। कितने जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? हमारे जिला में अब तक कोई भी MLA नहीं बना होगा, इतने वोटों से भी जीतूंगा। पूर्व में आपके जो पूर्व ब्लॉक प्रमुख थे सावर, जिन्होंने जो भी सीट थी उसके लिए विरोध किया था, उनको ना मिलने, उनकी माताजी को ना मिलने के लिए, उस पर आपका कोई वोट नहीं होगा? भारतीय जनता पार्टी के सभी आवेदित प्रत्याशी, सभी प्रत्याशी मेरे साथ हैं। वहीं अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर उनके हेलीकॉप्टर को रोक कर रखने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद से सियासी घमासान शुरू हो गया है। अब इस विवाद को बढ़ता देखकर अखिलेश के हेलीकॉप्टर रोके जाने के आरोप के बाद भाजपा ने भी अपना जवाब जो है वो जारी कर दिया है। भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा कि अखिलेश यादव पढ़े लिखे नासमझ व्यक्ति लगते हैं। हेलीकॉप्टर के उड़ने या न उड़ने की इजाजत जो होती है वो ATC देती है। भाजपा ये तय नहीं करती कि कौन सा विमान उड़ेगा और कौन नहीं। आप भी सुनिए हीरो वाजपेयी का ये बयान। देखिए, अखिलेश यादव मुझे लगता है पढ़े लिखे ना समझदार आदमी है, इस सब की क्लियरेंस ATC देता है। एक जहाज उड़ने के बाद उधर से जहाज उतर रहा है, कौन जाएगा, किसका नंबर किस नंबर पे है, ये ATC तय करता है, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती। मुझे लगता है कि इतना पढ़ लिखने के बाद इस तरह की बात करना ना समझिए। देखिए, अखिलेश से है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी गुड़िया कटेरिया ने जिला मुख्यालय पर COVID-19 का पालन करते हुए अपना नामांकन दाखिल कराया है। इस दौरान उनके साथ पार्टी जिला अध्यक्ष के साथ प्रस्तावक और समर्थक मौजूद रहे। प्रत्याशी ने कहा कि इस बार भी भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। कहा गया कि जनता ने अन्य पार्टियों के कार्यकाल को भी देखा है। आप भी देख रहे हैं कि जो वादे किए हैं पूरे कर रहे हैं। आज तक जितनी सरकारें रही है ऐसा नहीं किया है जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कर दिखाया है, वो किसी विपक्षी ने नहीं किया है। और ऐसा नहीं है जो वो कह रहे हैं। बराबर समाजवादी पार्टी कह रही है 300+ सीटें लाने के लिए। नहीं, गलत कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 300+, और हमारी बहनों ने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, न तन है, न धन है, न कुछ भी नहीं है, फिर भी वो उन्होंने बहनों का सम्मान किया है, सुरक्षित भी है, इसलिए हमारी 300+ सीटें बनेगी। मैं चैलेंज के साथ कहते हैं, हमारी बहनों ने वादा किया है कि मैं पुनः। वहीं बिजनौर में हाईवे पर ट्रक ड्राइवर की हत्या कर ट्रक और ट्रक में लदे माल को लूटने वाले गैंग को स्पॉट टीम और सर्विलांस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार हुए आरोपियों के कब्जे से लूटा गया ट्रक और उसका सामान बरामद कर लिया है। साथ ही लूट की रकम के 40,000 रुपए सहित आला कत्ल लोहे के रॉड को भी बरामद किया है। पुलिस ने हत्या में शामिल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर फिलहाल जेल भेज दिया है। थाना नहटौर में एक डेड बॉडी हल्दौर रोड पर मिली थी। पुलिस ने पंचायत रामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई। पुलिस ने गिरफ्तार किया है एक कैंटर, 2 ट्रक, 1 डस्टर गाड़ी, 5 मोबाइल फोन और हत्या में प्रयुक्त राड को बरामद किया गया है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए के पूरे माल बरामद है और 40,000 रुपया नकद भी जो लूटा गया था वो बरामद है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके सभी 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इसलिए केस को विद इन टाइम वर्कआउट करने के लिए 25,000 रुपये का इनाम दिया गया है।
स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर नहटौर स्वाट सर्विलांस में एक बेहतरीन काम किया है। वहीं बुलंदशहर में खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र के पोल्ट्री फैक्ट्री की छत अचानक गिर जाने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के समय पोल्ट्री में लगभग 6 श्रमिक काम कर रहे थे। छत गिरने से लगभग 6 मजदूर घायल हो गए हैं। सूचना मिलने पर जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह और DIG संतोष कुमार समेत सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि पोल्ट्री की इमारत काफी पुरानी है, अचानक से छत गिर जाने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर NDRF की टीम भी पहुंच गई है। ये खुर्जा में, खुर्जा इंडस्ट्रियल एरिया में महाशक्ति पोल्ट्री की छत गिरी है और उसमें 3 लोगों के दबे होने की आशंका थी। इसमें 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें हॉस्पिटल भेजा गया है। अभी 1 लोगों के और दबे होने की आशंका है। मैं और DIG साहब स्वयं मौके पर, हमारी पूरी टीम उसी समय से यहाँ मौके पर है और NDRF को भी हम लोगों ने बुलवाया है गाजियाबाद से। वो अभी कुछ ही क्षणों में यहाँ पहुँच जाएगी क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल भरा हुआ है और 2-3 मंजिला फैक्ट्री है, ऊपर की छत नीचे आई है, तो टेक्निकल तरीके से NDRF उसको निकालेगी, बाकी हमारी टीम लग। वहीं फतेहपुर में प्रदेश के खाद्य रसद मंत्री और हुसैनगंज विधानसभा भाजपा प्रत्याशी रणवेंद्र प्रताप सिंह ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान विपक्षियों पर हमला बोलते हुए उन्होंने बड़ा बयान दिया। रणवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि सपा के एक सिपाही क्रिमिनल है और इतिहास उठाकर देख ले। अगर आगे उन्होंने ये भी कहा कि बिना अपराधी के समाजवादी पार्टी जिंदा ही नहीं रह सकती है। प्रथम प्राथमिकता ये है कि जो क्षेत्र में काम रह गए हैं उन्हें पूरा करना है और जो गांव रह गए हैं सड़कों से उनको भी पूरा करना है। बाकी बुनियादी जितनी भी समस्याएं हैं वो हमने हल कर दी है, चाहे वो बिजली की हो, पुल की हो, सड़क की हो, और इस तरह की जो भी समस्याएं हैं वो मुझे लगता है 90% मेरे क्षेत्र की समाप्त। वहीं मैनपुरी में सदर प्रत्याशी सपा राजकुमार यादव और बसपा से प्रत्याशी करहल विधानसभा के लिए नामांकन किया गया है। बता दें कि सदर प्रत्याशी राजकुमारी यादव साइकिल से ही कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पेट्रोल ज्यादा महंगी हो चुकी है, इसलिए साइकिल से आया हूँ। जब सदर भाजपा प्रत्याशी से इस बारे में बातचीत की गई तो कैसी टक्कर मिलेगी, तो उन्होंने बयान दिया है कि वो पैराशूट प्रत्याशी है, 10 मार्च को पैराशूट को जमीन पर गिरा दूंगा। पार्टी से बहुजन समाज पार्टी से। कौन सी विधानसभा से? 110 करैल विधानसभा। आज मुख्यालय किस क्या कारण है जो आना हुआ? आज हम पर्चा लेने आए हैं यहाँ से। तो करैल से अखिलेश यादव भी चुनाव लड़ रहे हैं, किस तरीके से चुनाव लड़ने का काम करेंगे उनके सामने? सबसे पहले तो मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को आभार प्रकट करता हूँ, जो उन्होंने हम जैसे कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी और विश्वास किया है। मैं जनता के सहयोग से करहल विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी एक नया इतिहास रचने जा रही है। समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, समाजवादी पार्टी के समर्थन नामांकन करने जा रहा हूँ। सवाल है आपका, इसको आप बेहतर भाई मत लीजिए। जी बिल्कुल। किस विधानसभा से? 107 मैनपुरी पर। बताइए आप साइकिल से? तीसरी बार प्रचंड बहुमत से जीतूंगा। साइकिल से आप आए हैं, क्या संदेश देने की प्रयास किया आपने साइकिल? मैंने साइकिल से आकर ये संदेश दिया है, एक तो मेरा चुनाव चिन्ह साइकिल है, दूसरा बेइंतहा महंगाई है डीजल और पेट्रोल की, तो मैंने बचत की है। भारतीय जनता पार्टी ने कल जयवीर सिंह ने यहाँ नामांकन किया है, उन्होंने कहा था कि साइकिल की हवा पंचर हो गई है और अब फूली खिलेगा दोबारा, उस पैराशूट उम्मीदवार की हवा में निकाल दूंगा। सहारनपुर में नामांकन के अंतिम दिन देवबंद विधानसभा सीट को लेकर सपा से 2 प्रत्याशियों में नामांकन को लेकर दावेदारी पेश की गई। पूर्व विधायक माविया अली ने समाजवादी पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष जगपाल दास गुज्जर सहित अन्य समर्थकों के साथ नामांकन स्थल पर पहुंचकर नामांकन किया। उन्होंने ये दावा किया कि उनका टिकट सपा से बीते 25 दिसंबर को ही हो गया था। वहीं माविया अली की ओर से पर्चा दाखिल करने के कुछ देर बाद ही देवबंद विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी कार्तिकेय राणा के साथ इमरान मसूद कलेक्ट्रेट पहुंचे और पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा नेता इमरान मसूद ने कहा कि पार्टी हाईकमान की ओर से देवबंद विधानसभा सीट से कार्तिकेय राणा को ही सपा का प्रत्याशी घोषित किया गया है। देखिए, मुझे तो लखनऊ से टेलीफोन आया तो मैं दौड़ करके सब काम यहाँ पे आया हूँ और पार्टी की तरफ से निर्देश प्राप्त हुआ कार्तिकेय राणा पार्टी के कैंडिडेट हैं और मैं अधिकृत रूप से पार्टी के निर्देश के बाद ही यहाँ पर पहुँचा हूँ, तो कार्तिकेय राणा का नॉमिनेशन
का एक सेट हमें दाखिल कराना है, वो दाखिल कराने के लिए आए। इसके अतिरिक्त मुझे तो इसके अलावा जानकारी नहीं कि किसको क्या, किसने क्या जमा किया। पार्टी के ने जो मुझे प्रत्याशी के तौर पे दिशा निर्देश दिए थे उन्हीं सभी का पालन करने में यहाँ पे आया था। पार्टी ने एक अधिकृत लेटर और साथ पे ए बी फॉर्म हमें जमा करने के लिए बोला था, वो हमने जमा कर दिया है। देखिए कोई किसी भी राजनीतिक पार्टी में आवेदन करने का और टिकट मांगने का सभी को अधिकार होता है, सबका राइट है टिकट मांगने का। और जब ये प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगी, हम सभी लोग चाहे वो कोई भी हो, हम लोग साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को जिताने का काम करेंगे, मैं मुझे पूरी उम्मीद है। देवबंद विधानसभा से श्री महावैली जी को हाईकमान ने अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है, उसका नॉमिनेशन कराने के लिए कलेक्टर आए हैं। कार्तिक राणा पहले ही नॉमिनेशन कर चुके हैं, तो वो समाजवादी पार्टी से उनका क्या होगा? हाईकमान ने जो ABC तीन फार्म होते हैं, हाईकमान ने तीनों फार्म ABC श्री महावैली को दिए हैं। और सी फार्म का मतलब होता है कि उससे पूर्व में जो किए गए नॉमिनेशन है वो कैंसिल माने जाते हैं, और जो आज करने आए वो अधिकृत प्रत्याशी माना जाएगा। समाजवादी पार्टी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए निर्देशित किया, सिंबल दिया, मैंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की हैसियत से आज वो लास्ट दिन था समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट की हैसियत से सिंबल दाखिल कर दिया और पर्चा दाखिल कर दिया। उनका सिंबल कैंसिल हुआ है कि आपका वापस का हुआ? मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ, मुझे 25 तारीख में पार्टी की तरफ से सिंबल दिया गया, मैंने ला के यहाँ दाखिल कर दिया। और जो एक सिस्टम है कि पहला अगर कोई कैंडिडेट बनाया जाता है उसको निरस्त करके दूसरा आदमी को दिया जाता है, तो उसमें लिखा हुआ है महावैली प्रत्याशी होंगे और कार्तिक राणा। महावैली जब आपको 25 तारीख का सिंबल मिल गया था तो ये बार बार उठापटक क्यों चल रही थी? क्या नहीं, कोई उठापटक नहीं थी, फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, NOC लेनी पड़ती है। मैं पहले विधायक रहा हूँ, लखनऊ से NOC लेने में मुझे टाइम लगा। वही संबल विधानसभा 33 क्षेत्र से AIMIM के प्रत्याशी मुशीर खान नामांकन कराने बहजोई स्थित कलेक्ट्रेट पहुंचे। नामांकन होने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने बताया कि संबल पिछले 30 साल से बेहाल हो चुका है। संबल में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन तीन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा, बड़े मुद्दे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी वर्गो का उन्हें साथ मिल रहा है और सभी लोग उनके साथ है। वहीं संभल के असमौली विधानसभा से प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपना नामांकन दर्ज कराया है। आपको बता दें कि मरगूब आलम ने कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल किया, जहां पर उन्होंने कहा कि सपा की विधायक असमौली क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं कराया है, उनके मुद्दे मेडिकल कॉलेज बनवाने हैं। वहीं फरुखाबाद में अमृतपुर सीट से सपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने नामांकन किया। समाजवादी पार्टी के टिकट से भोजपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी ने भी अपना पर्चा भरा। भोजपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी अरशद जमाल सिद्दीकी ने अपना नामांकन किया है। नामांकन करने के बाद समर्थकों के बीच पहुंचे प्रत्याशियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। देखिए, जनता के सुख दुख में शामिल होना सबसे बड़ी बाढ़ की समस्या, आवारा गाय और आवारा सांड से जो लोग परेशान हैं वो, और जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में 300 यूनिट जो बिजली फ्री किया है वो है, सिंचाई फ्री है, और तमाम ऐसा जो हमारा अभी जो घोषणा पत्र है उसमें जनता के हित की तमाम बातें हैं। लैपटॉप बचेगा, लैपटॉप जो है वो बटेगा, और तमाम छात्र ऐसे हैं जो विदेश पढ़ना चाहते हैं उनको भी जो है सरकार जो योग्य छात्र हैं उनको भी प्रबंध करेगी। तो मेन हमारा है कि एक नई एजुकेशन का सिस्टम को बेसिक लेवल पर डेवलप करना ताकि व्यक्ति जितना बड़ा। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पर बरवालिया गांव के पास उस वक्त बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया जब साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में सवार तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए CHC लालगंज में भर्ती कराया है। वहीं अगली खबर की तरफ रुख करते हैं, जो फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर ढाबे पर मामूली कहासुनी को लेकर तीन युवकों ने मिलकर एक युवक को तंदूर में प्रयोग की जाने वाली लोहे की सीखों से बेरहमी से पीटा है। मौके पर मौजूद व्यक्ति ने इस मारपीट का वीडियो भी बना लिया है। वहीं पुलिस को 112 पे तत्काल सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को उठाकर सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। यह सारी घटना फरीदाबाद के हुड्डा मार्केट 18 की बताई जा रही है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार तीनों हमलावर युवकों में से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। ये रात करीब 9 बजे की घटना है, हुड्डा मार्केट है सेक्टर 18, उसके पीछे कार्तिक ढाबा है,
उस ढाबे में दो पक्ष खाना खा रहे थे, जिसमें से जिसको चोट लगी है वसीम, ये और जो दूसरे जो लोग थे साहिल, अर्जुन और निक्की, ये लोग भी वहाँ पे चले गए थे। इनकी आपस में थोड़ी देर के लिए तुतुमेमे हुई, एक दूसरे को जानते हैं ये सभी, और उस तुतुमेमे के बाद इनकी हाथापाई हो गई और वहाँ पे लोगों ने छुड़छड़ावा करा दिया। निवासियों के साथ फरीदाबाद पुलिस है और इस तरह की कोई भी जो घटना होती है तुरंत ही मौके पर पुलिस कार्रवाई करती है। अभी आपने देखा कि जैसे पुलिस ने ही इनको अरेस्ट किया वहाँ पे मौके पे, और पुलिस ही घायल को हॉस्पिटल लेके गई है। हमारी जो डायल 112 है वो मुस्तैद है, पुलिस भी मुस्तैद है, और फिर भी कोई घटना हो जाती है तो उसमें आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। अगली खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर भाजपा की टिकट से फिरोजाबाद विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी मनीष असीजा ने फिरोजाबाद विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल कराया है। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में मेयर नूतन राठौर एवं भाजपा नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर हम सभी भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ता देवतुल्य समाज के चरणों में इस सारे कामों को बताते हुए उनसे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल के फूल के निशान पर मतदान करने की अपील कर रहे हैं। चुनाव में उतरे हैं और एक बार फिर 2022 में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सशक्त निष्पक्ष और सफलतम सरकार को गठन कराने के लिए लगे हुए। वहीं अमेठी में सीएमओ कार्यालय में सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मियों का डेरा जमा हुआ है। यहां पर स्वास्थ्य कर्मचारियों ने सीएमओ मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर कर्मचारियों ने अपना फर्ज निभाया था, लेकिन नवम्बर महीने से संविदा कर्मचारियों को उनकी सैलरी नहीं मिली है। पैसे न मिलने से नाराज कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मचारियों की परेशानी को देखते हुए हमारे संवाददाता ने कर्मचारियों से खास बातचीत भी की। आज हम लोग बहुत ही मजबूरी बस जो है यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इस समय जो है पिछले नवंबर माह से जो है 2021 से हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया है, और जबकि हम लोगों से रविवार को सातों दिन हम लोग काम कर रहे हैं। कोविड में हमने काम किया, हमने जो है वैक्सीनेशन में काम किया, हमारी एनएम बहने, हमारा पूरा स्टाफ, मेडिकल ऑफिसर से लेकर हमारा फोर्थ क्लास कर्मचारी जो है पिछले दो वर्षों से जो है वो काम कर रहा है कोविड में। और साथ ही साथ इधर जो है तीन महीने से, जबकि पर्याप्त बजट है यहाँ सीएमओ ऑफिस में हमारे यहाँ, उसके बाद भी जो है हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन के लिए न मिलने का कारण ये बताया गया कि आप लोगों का जो है अनुबंध होगा, जबकि हम लोगों का जब नौकरी हम लोगों की हुई थी उसी समय हम लोगों का एक बार जो है अनुबंध हो चुका है। आज मैं मौजूद हूँ जनपद अमेठी के सीएमओ कार्यालय पे, जहाँ पे तीन दिनों से धरने पे बैठे हैं संविदा कर्मी। आइए उनसे हम बात करते हैं कि किस कारण से बैठे हैं। सर, क्या मांगे हैं आपकी और किस कारण से आप धरने पे बैठे हैं? हम लोग यहाँ पर जो है तीन माह से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है, जिसके उसमें संबंध में हम लोगों ने 13 जनवरी को जो है सीएमओ मैडम, डीएम साहब और सीडीओ मैडम को जो है ज्ञापन द्वारा जो है ये कहा था कि सर हम लोग जो है अल्प वेतन भोगी है, संविदा कर्मचारी है, हम लोगों को दो माह का वेतन उस समय दिया जाए। लेकिन जो है सीमो मैडम जो है और यहाँ पे जो है और डॉक्टर नवीन मिश्रा और स्वप्निल चौधरी जो हमारे यहाँ फाइनेंस ऑफिसर हैं जो है, इन लोगों ने पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रचा हम कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए, जबकि शासन द्वारा जो है पर्याप्त बजट है जनपद में, उसके बाद भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं कि हम लोगों को सैलरी समय से, हमेशा हम लोग काम इतना लिया जाता है, ठीक है, तो हम लोग काम करें कि डिप्रेशन में आके इधर उधर भीख मांग के अपना रोजगार चलाएं। अगर आप लोगों की मांगे नहीं पूरी होती है तो आप आगे क्या? हम लोग यही सीएमओ मैडम से इनसे हम लोग खर्चा दें, हम लोग यहीं पे रहेंगे, यहीं पे खाएंगे, यहीं पड़े रहेंगे, काम भी हम लोगों का बाधित होगा। हम लोग जो है इतना महत्वपूर्ण काम हम लोगों का जो है वैक्सीनेशन वाला काम, हम लोग एक भी दिन फुर्सत नहीं मिलती, हम लोग करते भी हैं जी जान से, लेकिन उसका भी पैसा नहीं मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे?
तो कहीं ना कहीं आप देख रहे थे संविदा कर्मी के अंदर भारी आक्रोश है, और उसी आक्रोश के बीच में उन्होंने 3 दिन से धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। अमेठी से वीरेंद्र तिवारी जन क्रांति। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।